मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है CDSL। CDSL का कल क्या हो रहा है, देखो कल सबके पोर्टफोलियो में अगर जिसके पास भी है तो ऑलमोस्ट मतलब 50% 48% के आसपास का नेगेटिव दिखा था वहां पे, वो चीजें हो रही होगी वहां पैसे में। अब वो क्यों हो रहा था, क्योंकि शेयर का क्या हुआ ना, स्प्लिट हुआ है शेयर, मतलब कल 1:1 के रेशियो में स्प्लिट हुआ है, मतलब 3000 का शेयर मान लो बंद हुआ था 2900-3000 के आसपास, तो मतलब उसके हाफ प्राइस पे कल ऑलमोस्ट ओपन होने की कंडीशन में था। ठीक है, वो ओपन मतलब रेस्पॉन्स अगर पॉजिटिव जाता होता है, बाकी 1:1 के हिसाब से यहाँ पे ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट 3000 का मान लो बंद हुआ तो कल यहाँ पे 1500 के आसपास वहाँ पे ऐसे ओपन होने की कंडीशन थी इसमें। ठीक है, और चार्ट के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल भी देखने उसके साथ के साथ में। यहाँ पे वीकली पे देखो तो वीकली पे भी कंडीशन अभी इसकी पॉजिटिव ही है, यहाँ पे मंथली पे देखे तो अभी यहाँ पे सब चीजें कंडीशन अच्छी दिख रही है यहाँ पे। और शेयर में क्या होना, पहले बहुत अच्छा यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई थी, मतलब अच्छी खासी, मतलब काफी अपने हाई लगाने के बाद 861 के हाई के बाद से यहाँ पे इसने काफी अच्छा करेक्शन लिया था, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका था ये। उसके बाद धीरे करते करते इसने बेस बनाया और अब यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसके बाद से। कंटिन्यू नॉर्मली क्या होता है ना, देखो शेयर जब भी मान से अपना हाई लगाया उसके बाद एक अच्छा इसने करेक्शन लिया, ठीक है, जब भी उस रेंज को ब्रेक करता है ये, इसने यहाँ की रेंज को ब्रेक कराई है, इस लेवल को यहाँ पे ये आया था, ठीक है, अप्रोक्स 450% का यहाँ पे इसने करेक्शन लिया था। यहाँ पे सेम कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, फिर ये ऑलमोस्ट इतना ही चलने की इसकी कंडीशन होती है, जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ये, तो चांसेस ये होते हैं कि इस लेवल पे इतना जितना ही गिरा था उतना ही एक बार सबसे पहले तो मोमेंटम देने की कोशिश करता है शेयर इस तरीके से यहाँ पे। तो एक बार आप देखना इस तरीके से, जब भी दूसरे कोई शेयर आपको दिखे और उनको इस तरीके से बना के देखना एक बार इसमें, सेम आप इसमें देखते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है कि जब भी मोमेंटम देता है, ब्रेक लेता है, ब्रेकआउट देता है, फिर आपस एक अच्छा मूव आता है यहाँ पे। देखो जैसे पहले क्या हुआ ना, यहाँ पे निकला एक रेंज बनाई इसने यहाँ पे इतने टाइम तक, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर एक अच्छा मोमेंटम आया, फिर इसने रेंज बनाई यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर एक अच्छा मोमेंटम आया, सेम वापस यहाँ पे इसने रेंज बना के फिर ब्रेकआउट दिया तो अच्छा मोमेंटम आया। तो जब भी इसमें कोई गिरावट आ रही है, आप देखो यहाँ पे जब भी शेयर गिरने लगता है थोड़ा बहुत भी गिरता है, नॉर्मली कितना करेक्शन आ रहा है इसमें, जैसे ये 10-12% आ रहा है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे इस जगह पर देखो ये, मतलब जब भी 12-13% का आता है यहाँ पे अच्छा गिरावट आती है, ऑटोमेटिक इसमें बाइंग कहीं ना कहीं वापस से एक हो जाती है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि चार्ट स्ट्राइक हो रहा है ना, इसका ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पे। जब भी इसे मान लो ट्रेंड पॉजिटिव होता है और 12-15% की अगर कोई गिरावट आ रही है तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और जब ट्रेंड नेगेटिव होता है तो वहाँ पे उसको प्रॉपर सेटल होने दो। जैसे मान लो ट्रेंड उसका चार्ट अभी सही है, अभी जो चार्ट का ट्रेंड यू चल रहा है, ट्रेंड अगर इसका नेगेटिव होने लगा तो उसको पहले सेटल होने दो, कहाँ जाके वो सेटल होता है, इस तरीके से कोई बेस बनाता है, बेस बनाने का एक सपोर्ट लेवल दिखने लगता है, तब वहाँ पे जाके कुछ प्लान करो अगर आपको एक्यूमुलेट करना भी है वहाँ पे, तो ऐड करना भी है, ठीक है। तो गिरते हुए मतलब उसमें शेयर्स में अननेसेसरी वहाँ पे एवरेजिंग भी मत करना और ऐड करने का प्लान मत करना अननेसेसरी वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब भी मान लो ये 1489 के आसपास से ओपन हुआ होता है, ये भी रिसेंटली 1500 के आसपास हुआ था, 1485 के आसपास से वापस से बाइंग एक्टिवेट हुई इसमें, और अच्छा खास ने इंट्राडे में भी अच्छा खासा मोमेंटम दिया सेम डे के साथ। अब जब भी कोई गिरावट आती है मान लो 1400 के आसपास मिल जाता है, 1480 के आसपास मिल जाता है यहाँ पे, तो भी एक अच्छी बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है यहाँ पे। और ऊपर की तरफ रिजेक्शन कहाँ पे आएगा भी है? अभी तो देखो जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा फिर नया हाई लगा सकता है यहाँ पे आगे देखने को मिल सकता है, या फिर लोअर लेवल ब्रेक करे यहाँ पे ये इस जगह के आसपास 1486 के आसपास का, ठीक है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर कोई करेक्शन आता भी है तो यहाँ पे बायर्स वापस बार बार एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1270 के आसपास अच्छा लेवल है यहाँ पे, ये 1270 पे भी अगर मिल जाता है कभी तो भी अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इस जगह पर, तो इसको देख सकते हैं। शेयर देखो बहुत अच्छा है उसमें कंडीशन इसलिए है क्योंकि ये मतलब ऑलमोस्ट अभी इस अपने सेक्टर का जो लिस्टेड कंपनी है उसका मोनोपोली शेयर है, इसका कोई कंपटीशन अभी यहाँ पे है नहीं, इसका कंपटीशन है NSDL पर वो लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टेड कंपनी के हिसाब से अगर देखा है तो मोनोपोली शेयर है, इसलिए इसको यहाँ पे बेनिफिट काफी अच्छा मिल रहा है, रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिल रहा है, और उसने ऑल टाइम अगर देखे ओवरऑल तो काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया जब से इसका IPO आया है 2017 से, उसके बाद से इसने काफी अच्छा रिटर्न बना के भी दिया मतलब पब्लिक को, इसके पास भी इसने होल्ड करा हुआ, जिसके पास भी इन्होंने इन्वेस्ट करा, 1200-1300% के इसने रिटर्न बना के दिए। अब आप 2017 से देख लो मतलब 24 का मतलब 4-7 साल हो गए, 7 साल में इसने 1200-1300% रिटर्न बना के दिया, काफी अच्छा रिटर्न दिया इसने इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरीके से चलता रहेगा, पर हाँ जब जब कोई अच्छी गिरावट का मौका मिले, जैसे मतलब बीच में आई थी 45-50% की गिरावट, तो ये ऐसी गिरावट यहाँ पे हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसको वहाँ पे इस तरीके से देखा करें यहाँ पे। इसमें वीडियो अच्छा लगा, इसमें कोई बाय सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, थैंक यू फ्रेंड्स।